हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग सीखेंगे जीरोज बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये सारे आपके बुक में ये क्वेश्चन है। ऐसा कोई बच्चा बोलता है कि कहाँ से कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, बुक में ही सारे क्वेश्चन है। बट मैं क्या है, इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देता हूँ। लेकिन अब बुक में क्या है, दो तीन क्वेश्चन रहते हैं। एनसीईआरटी में, सीबीएसई में क्या है कि क्वेश्चन कम होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारी गहराइयां छुपी होती है, तो मुझको क्या करना पड़ता है कि उसको ढंग से बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो है एक्सरसाइज का नाम नहीं लिखता हूँ, मैं ये एक्सरसाइज में ये पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ। आप बुक खोल के खुद से देखो तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा आपको। जैसे ये जीरो बेस्ड प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज अलग आप बुक ओपन करोगे, 3.4, 3.3 कहीं ना कहीं मिलेगा आपको जीरो बेस्ड प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये मैं काम आप पे छोड़ रखा हूँ, ताकि इस बहाने आप टेक्स्ट बुक खोलो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, देखो क्या सर ने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ये सब चीज़ मैं जान करके एक्सरसाइज का नाम नहीं लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट का नाम लिखता हूँ। हाँ, कॉन्सेप्ट का नाम बताना है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसको समझाना मेरा काम है। अब ताकि इस बहाने आप पे छोड़ता हूँ काम, ताकि आप खुद भी सॉल्व कर सको। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला, आज हम लोग सीखने वाले हैं जीरो बेस्ड प्रॉब्लम। तो कहाँ कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे जीरो हो जाता है, कहाँ पे जीरो नहीं होता है, उसकी बात है। जैसे साइन एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ होता है, तो साइन एक्स का वैल्यू 1 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, तो 8 पाए, 9 पाए, 10 पाए, तो इस इन जगह नेगेटिव में भी वहाँ वहाँ पे जीरो हो सकता है। देखो मैं ग्राफ से बता दूँ अगर कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये यू साइन एक्स ग्राफ होता है। अब सोचो ग्राफ कैसे बन गया, तो ये ग्राफ जो साइन का अलग अलग वैल्यूज को रखने के बाद पता चलता है, यहाँ पर जो इस ऊंचाई पाएगा तो +1 हो जाएगा, इस नीचाई पाएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पाएगा तो 0। तो ये इन जगह पे 0 है, साइन एक्स का वैल्यू वाई पर साइन एक्स का वैल्यू इन जगह पे 0 है। तो यहाँ पे क्या है, 1 पाए है, यहाँ पे क्या है, 2 पाए है, यहाँ पे क्या है, 3 पाए है, यहाँ पे क्या है, 4 पाए है। ऑपोजिट ये 0 है, यहाँ पे -5, यहाँ पे -2 पाए, और इस जगह पे आओगे आप, यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या दे रहा है +1, यहाँ पे क्या दे रहा है -1, यहाँ पे क्या दे रहा है +1, यहाँ पे क्या दे रहा है -1, यहाँ पे क्या दे रहा है -1, यहाँ पे क्या दे रहा है +1, यहाँ पे क्या दे रहा है -1। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो मैंने -1 भी लिखा दिखाया और +1 भी दिखाया। तो +1 कहाँ पे देता है, देखो 0, ये यहाँ पे π/2 पे दिया +1, पाई पे दिया 0, ये पाई है हमारा, पाई पे दिया हमें 0, फिर यहाँ से 3π/2 पे, 3π/2 पे दिया ये -1, देखो यहाँ -1, ये बढ़ते बढ़ते 2π पे दिया 0, फिर यहाँ से बढ़ जाएगा तो यहाँ से 5π/2, तो 5π/2 दिया +1, फिर उसी तरह से 3π पर दिया 0, और यहाँ से फिर से रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7π/2 पे -1। सिमिलरली इधर भी होगा, ऐसे खाली माइनस का साइन लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -π/2, यहाँ पे हो जाएगा -π, यहाँ पे हो जाएगा -3π/2। तो इस तरह से यहाँ 0, -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, इस तरह से होता है। इस तरह से साइन ग्राफ जाते हैं और आते हैं, ये हमारा वाई डैश, ये हमारा वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमारा वैल्यू +1 -1 होता है। देख लो एक बार, तो यहाँ पे देखो क्या, जहाँ पे देखो साइन कहाँ 0 हो रहा है, साइन पाए बराबर साइन 2π बराबर साइन 3π बराबर साइन 4π, इन सब जगह पे क्या इसका वैल्यू है, 0 हो रहा है। इसका मतलब साइन एन पाई पे भी इसका वैल्यू एन पाई, साइन एन पाई पे इसका वैल्यू 0 होगा। चाहे आप तुम साइन पूछेगा, तुमसे पूछेगा साइन 4π का क्या वैल्यू, 0, साइन 5π का क्या वैल्यू, साइन -4π का क्या वैल्यू, 0, साइन 10π का क्या वैल्यू, क्या 0, साइन 2000π का आंसर क्या, 0, साइन -2000π का आंसर क्या, 0, साइन 5000π का आंसर 0। इसलिए हमने लिख दिया साइन एन पाई का वैल्यू 0। अब देखो चार के टेबल से अगर +1, चार के टेबल से एक ज्यादा रहेगा, चार के टेबल से 16 + 1 17, तो 17π/2, तो उसका आंसर +1 होगा, और चार के टेबल से एक कम होगा तो उसका आंसर -1 होगा। देखो सपोज करो +1 कब होगा, जब चार के टेबल से एक ज्यादा, यानी चार है एक ज्यादा क्या 5, तो 5π/2 आंसर क्या हो जाएगा इसका +1। चार के बाद क्या टेबल, 4 2 4 2 8, यानी क्या हो जाएगा साइन 8 से ज्यादा 9π/2 आंसर क्या होगा +1।
चार टेबल से एक ज्यादा यानी कि 12 से 12 एक ज्यादा 13, तो साइन 13 पाई बाय 2 पे आंसर क्या होगा प्लस 1। साइन चार टेबल से एक ज्यादा यानी कि 60 प्लस 1 17, तो साइन 17 पाई बाय 2 पे आंसर क्या होगा प्लस 1 होगा। अगर वही माइनस 1 की बात करेंगे तो चार के टेबल से एक कम तो 4 बन जाए 4, 4 में से एक कम करो तो 3 पाई बाय 2, तो साइन 3 पाई बाय 2 का आंसर क्या आएगा माइनस 1। यहाँ पे एक कम कर दो 4 2 8 से एक कम कर दो तो 7, तो साइन 7 पाई बाय 2 पे आंसर माइनस 1। उसके बाद अगर 4 3 12 12 से एक कम साइन 11, तो साइन 11 पाई बाय 2 पे आंसर क्या आएगा माइनस 1। 4 4 16 16 से एक कम कर दो 15, तो साइन 15 पाई बाय 2 पे आंसर क्या आएगा माइनस 1। इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया कि चार के टेबल से एक ज्यादा करोगे तो आंसर प्लस 1 आएगा, प्लस में प्लस 1 और माइनस में माइनस 1, तो इस तरह से माइनस 1 आएगा। तो ये हमने किसका डिस्क्राइब कर दिया, साइन एक्स का डिस्क्राइब कर दिया। क्वेश्चन आंसर बाद में करके बताऊंगा, ये देख लो एक बार ये कॉन्सेप्ट था, इसको अब आपको लिख लेना है सारी बातें। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस सारे फॉर्मूलाज को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ये मैंने साइन का फुल डिस्कशन कर दिया। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस में भी ऐसा ही कहानी है। कॉस में क्या होता है कि इस तरह से अगर ग्राफ बनाओगे, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे यहाँ से चालू होता है, ये बन करके यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे जगह है हमारे पास, तो इसका मैं यूज करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे, ये यहाँ पर प्लस 1 और ये हमारे यहाँ पर ये जो वैल्यू माइनस 1, ये वैल्यू 0 और ये प्लस 1, ये वाई डैश। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 कहाँ पे दे रहा है, तो तुमको प्लस 1 का सीधा बता दो डायरेक्ट, 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, वन रोटेशन, मतलब ये 0 90 180 270 360, ये होता है, इसे घबराने का नहीं है। यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, माइनस 2 पाई। तो इसमें आपको बताता हूँ टेक्निक, सीधा सीधा बताता हूँ, जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो जहां जहां जीरो जीरो कहाँ देखो जीरो लिखा हुआ है क्या, जहाँ ऑड नंबर होगा और उसमें पाई बाई 2 चिपका दो तो जीरो हो जाएगा। जैसे कि जीरो कॉस कहाँ का जीरो होगा, तो ऑड नंबर ले लो और उसमें पाई बाई 2 चिपका दो, जैसे 1 पाई 0, 1 के बाद क्या आता है 3, तो कॉस 3 पाई बाई 2 पे 0, 3 के बाद क्या आता है 5, तो कॉस 5 पाई बाई 2 पे 0, 5 पाई बाई 2 पे 0, कॉस 7 पाई बाई 2 पे 0, इसी तरह से आप बढ़ते जाओगे 9 11 13 पाई बाई 2 इस तरह रखोगे, उन जगह पे साइन का वैल्यू कॉस का वैल्यू, ये कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस ऐसा ग्राफ है, तो कॉस का वैल्यू वहां पे 0 होता है। प्लस 1 कहां होता है, देखो यहां पे प्लस 1 1 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यानी कि प्लस 1 कब होगा जब कॉस का वैल्यू 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से होगा 8 पाई यहाँ पे होगा, तो जब इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, देखो जब इवन नंबर होगा तो इसका वैल्यू क्या है प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा, और माइनस 1 कब होगा जब ऑड नंबर होगा, तो जैसे क्या रह गया ए 2, तो यहाँ पे 3 पाई लगा दो, 4 यहाँ पे 5 पाई लगा दो, यहाँ पे 7 पाई लगा दो, यहाँ पे 9 पाई लगा दो, तो इन जगह पे क्या इसका वैल्यू होगा कॉस का वैल्यू माइनस 1 होगा। तो आपको पता चल गया जीरो कहाँ होगा, कॉस का वैल्यू जीरो कब होगा जब ऑड नंबर लगा करके, जब ऑड नंबर लगा के पाई बाई नीचे 2 लगा दे, 1 कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0, कॉस 5 पाई बाई 2 0, कॉस 7 पाई बाई 2 0, कॉस 9 पाई बाई 2 0, इस तरह से रखो कॉस 11 पाई बाई 2 0, पूछो कॉस का वैल्यू प्लस 1 कब होगा, कॉस का वैल्यू प्लस 1 कब होगा, कॉस का वैल्यू जहां जहां पे इवन पाई लगा दें, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, कॉस 10 पाई, इवन पाई लगा देंगे, इवन पाई लगा देंगे, इवन पाई लगा देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 1 होगा। कॉस में अगर ऑड लगा देंगे, ऑड पाई लगा देंगे, जैसे पाई कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस 7 पाई, कॉस 9 पाई, कॉस 11 पाई, इन जगह पे इसका आंसर आएगा माइनस 1, ऑड पे माइनस 1, इवन पे प्लस 1। और मैंने ग्राफ बना के दिखा भी दिया, देखो यहाँ पर
पाई बाई टू पे जीरो, पाई पे देखो माइनस वन हो रहा है और टू पाई पे प्लस वन हो रहा है। ये ग्राफ है, कॉसेस ग्राफ है, ग्राफ से बना करके मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ से अब यहाँ एक चीज साथ लगे हाथ बता देता हूँ कि सेक और कोसेक का ग्राफ इसके ऊपर ही होता है, इसके ऊपर ही होता है, इसके इधर नीचे होगा। सेक एस का कोसेक का ग्राफ इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, तो इसमें क्या होता है, सेक एस कोसेक का जीरो पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस एरिया में उसको आने मिलता ही नहीं। तो मैंने लिख दिया सेक एस कोसेक हैव नो जीरो पॉसिबल बिकॉज इट डज नॉट एंटर इन दिस एरिया, प्लस वन माइनस वन के एरिया, जीरो वाला एरिया में एंटर ही नहीं कर पाता है। इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं पॉसिबल होगा। तो उसमें फाइव आंसर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है सेक सिक्स फाइव 6x, इसका क्या आंसर है, सीधा आंसर 5 लिखा रहे, cosec 7x, तो आंसर उसका सीधा 5 होगा, उसमें दिमाग लगाना नहीं है। और 10x जो ग्राफ होता है वो भी इस तरह से होता है, साइन की तरह ही होता है। तो 10 एक पाए 0, 10 दो पाए 0, 10 तीन पाए 0, 10 फोर पाए 0, 10 सिक्स पाए 0, 10 2000 पाए 0। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 10x बराबर 0। इसका भी ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे जो पाए होता है, पाए पे ग्राफ जो होता है उसका 0 हो जाता है। अब हम लोग इस कॉसेस का ग्राफ भी डिस्कस कर लिया और साइन एस का ग्राफ डिस्कस कर लिया। ये सब ग्राफ बना करके आपको समझा रहा था कि आपको याद जल्दी रहे, आसानी से याद हो सके, और कोई बात नहीं। किसी बुक में सब डिस्कशन नहीं किया हुआ है, ये डिफरेंट थोड़ा करके बता रहा हूँ मैं आपको, अदरवाइज बुक में तो इसे नहीं लिखा हुआ है। बुक में आप देखना ये सब चीज़ नहीं दिया हुआ, मैं आप बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। अगर आप टेन एस का देखोगे ना, टेन एस ग्राफ यूँ बनता है, यूँ और यू, ये हो गया यहाँ पर पाई बाई टू, तो वैल्यू अनडिफाइंड है। अब फिर से ग्राफ बनाएगा ना यहाँ से, तो फिर यू और यू, तो देखो यहाँ पर देखो जीरो पे टेन जीरो पे जीरो, टेन पाई पे जीरो, टेन टू पाई पे जीरो, टेन थ्री पाई पे जीरो, टेन फोर पाई पे जीरो, टेन फाइव पाई पे जीरो, टेन एन पाई पे, तो टेन एन पाई पे जीरो। ये ग्राफ किसका है, तो वाई इक्वल्स टू टेन एक्स ग्राफ है। ये कहाँ जीरो हो रहा है, तो पाई पे, टेन टू पाई पे, टेन थ्री पाई पे, ये सारी जगह जीरो हो रहा है। जिस तरह बढ़ते 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 टेन एन पाई पे मैंने सीधा सीधा लिख दिया जीरो, यहाँ पर टेन एन पाई पे जीरो। और यहाँ लिखा हुआ क्या, एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड का मतलब एन की जगह पे आप प्लस वन लो या माइनस वन लो, प्लस टू लो या माइनस टू लो, प्लस थ्री लो माइनस थ्री लो, यानी उस पर सब पे जगह ये सक्सेसफुल है, यानी जनरलाइज फॉर्मूला है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया वाई, और ये वाई डैश, ये एक्स डैश, और ये एक्स, इस तरह से हमारा ग्राफ हो गया, टेन एक्स ग्राफ हो गया। देखो यहाँ पर, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे जीरो है। फिर इसी तरह से एक पाई पे, दो पाई पे, तीन पाई पे, चार पाई पे, पांच पाई पे, टेन एक्स का वैल्यू इस तरह से जीरो होता चला जाएगा। तो इस तरह से इसका हो गया डन। टेन एक्स का ग्राफ जो था साइन एक्स के जैसा ही मैच करता है, उसका भी साइन एक्स के जैसा ही होता है टेन एक्स ग्राफ का नेचर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स में कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो कॉट एक्स में देख लो, लिख दिया मैंने कॉट एक्स जगह पर ऑड पाई बाई टू पे, ऑड पाई बाई टू पे आंसर उसका जीरो होगा। कॉट एक्स ग्राफ जो आंसर आएगा ऑड पाई बाई टू पे, इसका आंसर आता है जीरो। कॉट एक्स ग्राफ होता है यू, यहाँ पे जीरो पे अनडिफाइंड होता है, 90 पे टच करता हुआ यू आ जाता है कॉट एक्स ग्राफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया जीरो डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो जीरो टच किया, यहाँ पे पाई हो गया, देखो पाई पे, यहाँ पे देखो एक पाई बाई, एक पाई पे, पाई बाई टू पे, फिर आएगा दो पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, यहाँ पे देखो एक पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है। ये ग्राफ किसका है देख लो एक बार आराम से, वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ है। देखो जीरो कहाँ टच किया, ओके ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कॉट का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होता है। देखो आप कॉट का वैल्यू पाई बाई टू पे जीरो है, थ्री पाई बाई टू जीरो है, सेवन पाई बाई टू जीरो होगा, फाइव पाई बाई टू जीरो होगा, नाइन पाई बाई टू जीरो होगा, इलेवन पाई बाई टू जीरो होगा, यानी कॉट के वैल्यू सारे ऑड नंबर पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, वन पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, इन जगह पे जीरो होगा। इन एवरेज, इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन का मतलब होता है ऑड, और टू एन का मतलब होता है इवन, तो टू एन प्लस वन और किसका मल्टीपल, तो पाई बाई टू का, तो इन जगह पे क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा। ये फॉर्मूला हमारा हो गया रेडी। और sec x cos x क्या होता है, जीरो में एंटर नहीं करता है। ये पर मान लो प्लस वन है और ये नीचे माइनस वन है, तो sec x जो इसके ऊपर या इसके नीचे ही आता है। ये देख लो, ये प्लस वन है और ये माइनस वन, और ये जीरो का एरिया, इसके बीच में आएगा जीरो का एरिया।
तो sec x और cos sec x या तो इसके नीचे रहता है या इसके ऊपर रहता है, जीरो में एंट्री नहीं मिलता उसको, नो एंट्री है जीरो के लिए। sec x cos x तो लिखा रहेगा sec 6x, जैसे लिखा हुआ sec 6x तो क्या जीरो होगा, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा 5। लिखा रहेगा cos x 7x का आंसर क्या आएगा, तो 5। sec 10x का आंसर क्या आएगा, तो 5। तो इसमें हम बिना सॉल्व किए आंसर ले लेंगे 5। अब मैं आपको बच्चों क्वेश्चन आंसर करके बता देता हूं कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व कैसे करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास ढेर सारे, इनको हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सिंपल है, यहां पर देख फॉर्मूला देख लेना कि क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे एबीसीडी लेना रहना रह गया, ए यहां पर आएगा, बाकी ये बी आएगा, एन सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई और ये जे। एक होगा सॉल्व करते, सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ क्या, साइन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, जीरो लिख देना सबके सामने, जीरो लिखोगे तो यहाँ पे देखो जीरो पे लिखा हुआ क्या, जीरो पे लिखा हुआ x इक्वल टू एन पाई, यानी साइन एन पाई हम लोग लिख सकते हैं, साइन एन पाई लिख सकते हैं इसको, एन पाई, साइन से साइन कैंसिल, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू एन पाई, देयरफॉर 2x इक्वल टू एन पाई माइनस 1, x इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई माइनस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर लिख देंगे एन बिलोंग टू जेड, ये आंसर आ गया। अगर हम बी की बात करेंगे तो साइन 2x प्लस 1 बराबर 0, ये 1 इधर आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू माइनस 1, और माइनस 1 पे क्या लिखा हुआ देखो, साइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन 4n माइनस 1 पाई बाई 2, साइन से साइन कट गया, तो 2x इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2, ये 2 इधर शिफ्ट कर दो, x इक्वल टू क्या आएगा, 4n माइनस 1 पाई बाई 4, ये आंसर आ गया, n बिलोंग्स टू z, आंसर आ गया। ये भी c, c में क्या लिखा हुआ है, साइन 2x माइनस 1 बराबर 0, तो इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2x इक्वल टू 1 प्लस 1, प्लस 1 में देखो क्या लिखना है हमें, तो साइन 2x इक्वल टू साइन क्या लिखना है, 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, साइन से साइन कट गया, तो 2x इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2, अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो ये 2 शिफ्ट करोगे यहां बन जाएगा पाई बाय 4 बन जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। यहां लिख देना n बिलोंग्स टू z, तो इस तरह से हमने यहां पर ए सॉल्व कर लिया, बी सॉल्व कर लिया, सी सॉल्व कर लिया, इसको देख लो आप आराम से समझो, बहुत आसान होता है। इधर लिखा हुआ है तो जीरो, जीरो में ये रख देना है, लिखा रहा है सामने लगा माइनस 1 तो ये लिख देना है, सामने लगा प्लस 1 तो ये लिख देना है, और सॉल्व कर देना है, एक्स को सब्जेक्ट बना देना है, जैसे एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे आपका आंसर रेडी हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग ए बी सी कर लिया, कॉस के क्वेश्चन को कर लेते हैं, कॉस में क्या है, कॉस 3x प्लस 1, तो कॉस 3x प्लस 1 को फोकस करें, अगर ए बी सी डी, डी में डी लिखा हुआ है बच्चे, ये डी है और ये ई है, तो कॉस 3x प्लस 1, सामने 0 लिखना है, कॉस में 0, कॉस में 0 क्या लिखा हुआ है देखो, देखो आप खुद बोलो, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, कॉस से कॉस कट गया, 3x प्लस 1 बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 3x इक्वल टू इस 1 उधर शिफ्ट कर दो, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 माइनस 1, फाइनल आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और ये 2 इधर 2 3 है 6, तो यहां पे 6 और ये 3 इसके नीचे आएगा, तो इतना, और n बिलोंग्स टू z तो लिखना ही लिखना है, n बिलोंग्स टू z, आंसर आ गया। ए बी सी डी ई, ई ए बी सी डी, डी कर ई पे, तो cos 3x प्लस 1, देखो ये अलग है, वन अलग है, तो ये वन उधर शिफ्ट हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, कॉस 3x इक्वल टू माइनस, इसमें अलग नहीं था, इसके एंगल में ही था, इसलिए इसमें एंगल में नहीं है, तो इसको शिफ्ट कर दिया, माइनस 1, कॉस का वैल्यू माइनस 1 कब होता है, कब होता है, ये रहा, कॉस 2n प्लस 1 पाई, कॉस से कॉस कट, 3x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 3, और n बिलोंग्स टू, n belongs to z, a b c d e f, ये कर दिया f में, देखो यहाँ पे सिमिलरली यही केस होगा, cos 3x minus 1 बराबर 0,
तब जीरो, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दें अगर इस तरफ आ जाएगा तो कॉस थ्री एक्स इक्वल टू वन, वन का मात्र है कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू वन वन ये रहा, कॉस टू एन पाई, देखो यहाँ पर कॉस टू एन पाई, कॉस से कॉस कट गया तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा टू एन पाई अपन में, टू एन पाई अपन में थ्री, इसको बॉक्स बना देना आप टू एन पाई बाई थ्री, इतना आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या टेन फोर एक्स के ऊपर, देख लो ये आराम से यहाँ पर टेन फोर एक्स के ऊपर आते हैं, ये बहुत ही आसान है, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, जान के मैं फॉर्मूला सामने लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ, एक बार समझ लोगे खुद से तो खुद भी करने लगोगे, इतने सारे क्वेश्चन बुक में नहीं है बच्चे, तो खास करके आप इसको प्रैक्टिस करो, बार बार करोगे तो होगा। ए बी सी डी एफ जी टेन फोर एक्स बराबर जीरो लिखना है, टेन का वैल्यू जीरो कहाँ होता है टेन एन पाई पे, टेन एन पाई पे, तो टेन से टेन कट, फोर एक्स इक्वल टू एन पाई, देयर फोर एक्स इक्वल टू एन पाई अपन में फोर, और क्या लिखना है बाजू में एन बिलोंग्स टू जेड, यानी एन इंटीजर है, आंसर आ गया जी का भी। एच की बात करेंगे तो कॉट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, कॉट का वैल्यू जीरो कब होता है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन पाई बाय टू, ये से ये कट गया तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, टू एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और ये प्लस में होता गया तो माइनस वन, एक्स इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आएगा टू एन प्लस वन यहाँ पे पाई, ये टू इधर शिफ्ट होगा टू टू इधर फोर, और ये वन बाई टू इसके नीचे भी आ जाएगा ना, तो हमारा एन बिलोंग्स टू जेड आंसर आ गया, ये भी रेडी। जैसे यहाँ फोर एक्स क्या था देखो यहाँ पर आई में क्या कर रहा है, यहाँ फोर एक्स वहाँ पे फाइव एक्स लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर सीधा एन पाई बाई फाइव हो जाएगा, तो इसमें मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ, आप खुद कर लेना इस तरह से लिख करके, यहाँ सिर्फ आएगा एन पाई बाई फाइव हो जाएगा इसमें, और सेक्स सिक्स एक्स में आई मैंने आपके लिए छोड़ दिया और जे मैं कर देता हूँ, जे में करना कुछ भी नहीं है, सेक्स सिक्स एक्स तो इसका जीरो नॉट पॉसिबल होता है, सेक एक्स और कोसेक एक्स, चाहे सिक्स एक्स सेवन एक्स कुछ लिखा रहे उसे कोई मतलब नहीं होता है, तो सेक एक्स लिखा रहे कोसेक एक्स लिखा रहे वहाँ पे सात एक्स कुछ भी लिखा रहे कोई भी नंबर लिखा रहे कोई लेना देना नहीं, इट्स जीरो इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर एक्स इक्वल टू फाइव पे टिक लगाएंगे, इसका आंसर सेक एक्स लिखा रहे या कोसेक एक्स लिखा रहे आंसर हम कहाँ लगाएंगे फाइव पे टिक लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको जीरो बेस्ट क्वेश्चन को बड़ी तरह अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, आप दो तीन बार वीडियो देखोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करना, मैं आपको आगे भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।